नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीडियम वेट कैटेगरी फाइटर, जो कि तेजस मार्क 2 का ही प्रारूप है, जिसको मीडियम वेट कैटेगरी में डाला गया था IAF के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि IAF ने जुलाई 2019 में प्रिलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट PSQR निकाल के इस तरह की इच्छा जताई थी कि उनको एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर चाहिए। और उसके अंतर्गत जो आपका प्रीवियस तेजस मार्क 2 था, उसमें कुछ इन्हांसमेंट किए गए थे, जैसे कि उसकी रेंज, एंड्योरेंस, लिथैलिटी। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए इसके डिजाइन को एकोमोडेट किया गया था। और अभी फिलहाल तेजस मार्क 2 या फिर MWF प्रोजेक्ट में DRDO की ADA, भारत की स्टेट ऑन्ड HAL और CSIR के जो लैब्स हैं, वो इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में। और इसको लेके ऐसे अपडेट हैं जो कि DRDO के पर्सनल्स एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान ऐसा बताया है कि तेजस मार्क 2 या फिर MWF का जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसको तय कर लिया गया है। और इसके डिजाइन को लेके एक कमेटी रिव्यू करने वाली है। इसमें इन्वॉल्व जो भी पार्ट्स हैं, उनकी डिजाइनिंग किस प्रकार की हुई है, तो उन सबको रिव्यू किया जाएगा इस मंथ के एंड तक। तो ये एक प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू होने जा रहा है, जो कि एयरक्राफ्ट लेवल पर कंडक्ट किया जाएगा इस मंथ के एंड तक। और इसके डिजाइन को लेके जो डिटेल रिव्यू होगा, वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने जा रहा है। और वहीं पे MWF को लेके जो मेटल कटिंग की जानी है, और उसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो या फिर टूल्स की हो, तो उन सबको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है। और आपको 2021 के शुरू में इसका जो कंस्ट्रक्शन है, वो शुरू होता हुआ दिख जाएगा। जहां तक बात है इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च हो रहा है तेजस मार्क 2 में, तो अभी इसको लेके जो इनिशियल एस्टीमेट है, वो 2500 करोड़ के अराउंड है, जो कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा, तो ये ऑब्वियस है कि ये अमाउंट बढ़ने जा रहा है। और वहीं पे तेजस मार्क 2 का जो कॉकपिट है, वो कैसा होने जा रहा है, उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल में, कि इसका जो कॉकपिट है, वो काफी सिमिलर होने जा रहा था आपके राफाल या फिर F-35 के। तो इसको हम कंपेयर कर चुके हैं। और इसी कॉकपिट का एक 1:1 का जो मॉडल है, यानी कि जिस रूप से आपका जो कॉकपिट दिखेगा एक्चुअल में, उस तरह का एक प्रारूप डिफेंस एक्सपो के दौरान लगाया जा रहा है, जिसमें एक WAD है, वाइड एरिया डिस्प्ले, एक HUD होगा, कंट्रोल स्टिक आपके साइड में हो गए हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को हम कंपेयर कर चुके हैं अपने तेजस मार्क 2 के कॉकपिट वाले वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि तेजस मार्क 2 या फिर MWF अब एक 17.5 टन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट हो चला है, और इसमें कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, चाहे वो इसके आईसर रडार को लेके हो, इसमें जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट है उसके जैमर्स को लेके हो। और इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपने तेजस मार्क 1 के वीडियो में, जहां पे हमने बात किया था कि किस तरह से ये इंटीग्रेट किए जाते हैं, जो भी आपके इंटरनल EW शूट होते हैं वो। वहीं पे तेजस मार्क 2 में जो सेंसर का फ्यूजन है, वो एक अपर लेवल का होने जा रहा है, जो कि इसको काबिल बनाएगा कि ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कर पाए, मतलब सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अपने जो भी डेटा है वो वेरियस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर पाएगा। और वहीं पे कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की बात करते हो, तो इसका जो एयर टू एयर रिफिलिंग प्रॉब है, वो रिट्रैक्टेबल होने जा रहा है Su-30 MKI की तरह। हालांकि ये एयर टू एयर रिफिलिंग प्रॉब जो भी हमारे MK-1 है उनमें फिक्स्ड होगा, और रफाल्स में भी ये फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे तेजस मार्क 2 में ये रिट्रैक्टेबल बनाया जाएगा। अगर बात करते हो अगले इंप्रूवमेंट की, तो जैसा कि आपने देखा होगा तेजस मार्क 2 के मॉकअप में इसके नोज पे एक लंबा सा ट्यूब दिया गया है, तो इसके नए एडवांसमेंट में इस ट्यूब को बॉडी के अंदर डाला जाएगा। तो बेसिकली ये पीटोड स्टैटिक ट्यूब होते हैं, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के जो एयर स्पीड है उसको मेजर करते हैं। और इसको मेजर करने के लिए ये जो भी हवा आके इसे टकराती है, और उस हवा के टकराने के बाद जो ड्रैग इंड्यूस होता है, रैम ड्रैग, तो उसके प्रेशर को स्टैटिक प्रेशर से कंपेयर करके ये आपको एयर स्पीड को माप करके दर्शाता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि MWF में इस पीटर ट्यूब को बॉडी के अंदर डाला जाएगा। वहीं पे तेजस मार्क 2 में जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है MAWS, वो तो उसका भी इंटीग्रेशन इसके फिन पे किया जाएगा। वहीं पे कुछ चेंजेज जो इसका इनर सेक्शन है, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि तेजस मार्क 1 से इम्प्रूव होने जा रहा है। और आपका तेजस मार्क 2 जिसमें 11 हार्ड पॉइंट है, ये आपका पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो कि तकरीबन 8 एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा। और कुछ इस प्रकार का आपका कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लोज कॉम्बैट मिसाइल दिख रही होंगी एंड्स पे, विंग पे ड्रॉप टैंक है, विंग के दूसरी साइड में कोई स्टैंड ऑफ मिसाइल होगी, स्पाइल जैसे बॉम्ब होंगे, और फ्यूजलाज के मिडल में एक ब्रह्मोस जैसी कोई स्टैंड ऑफ मिसाइल होगी। तो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है वेपन का तेजस मार्क 2 पे। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, वो 2021 के शुरू से स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है, वो 2023 के सितंबर तक आपको देखने को मिलेगी। और इसको अचीव करने के लिए IAF के कुछ ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, ताकि इसको टाइम पे अचीव किया जा सके। तो इसके बारे में डिफेंस एक्सपो के दौरान डिटेल में बात कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इसको लेके इतना ही रखते हैं। बात करते हैं अगले अपडेट की, जो कि HAL और इजरायली IAI को लेके है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को लेके, UCAV को लेके डील साइन की जाएगी। और जहां पे ये जो UCAV होंगे, वो भारत में ही बनाए जाएंगे, और भारत से ही भारत के उपयोग के साथ साथ जो भी आपकी थर्ड कंट्री होंगी उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये हेरोन TP का एक एडवांस वेरिएंट होने जा रहा है, जो कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन होगा, जिसकी एंड्योरेंस तकरीबन 36 आवर्स की होगी। और इस तरह के सिर्फ 100 ड्रोन्स सिर्फ इंडियन मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो कि IAI और HAL डिफेंस एक्सपो में साइन किए जाने वाले इस डील के बाद बनाएंगे। वहीं पे HAL एक और ऐसे UAV भी काम कर रही है, जो कि तकरीबन 200 किलोग्राम का रोटर विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा। तो एक बार HAL और IAI के साथ
ये डील संपन्न होती है डिफेंस एक्सपो में, तो इजराइल के साथ जो भारत का डिफेंस सप्लाई है उसका अमाउंट $5 बिलियन से ऊपर का पहुंच जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।